नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। मेरा नाम शेरली सर, मुझे कम से 15 साल हो गए इस चीज़ के। मैं पहले छोटा था, जब से मैं पहले काम करता था करीनों का, ठीक है ना, वो रफू करता था मैं ग्वाल मंडी में। फिर मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैंने किताबों का काम शुरू किया था। इसे अड्डे का ना किराया देते हैं हम 300 रुपया महीने का, कोशिश तो करते निकालते हैं, तो फिर हम बैठे हैं ना। ये कीमत इसकी 200 रुपया है, कोई मुख्तलिफ है, कोई 500 भी है, 1000 भी है। जो 500 के वो 250 में लेते हैं, 250 भी नहीं देते वो। जब किताबें सस्ती होंगी तो हमें फिर फायदा तो होगा हमें, जब किताबें महंगी लेंगे हमें कहाँ मिलेगा पैसा। कोई तो कस्टमर हमारा आता है, वो देख के फिर चले जाता है। मेरी इतनी नहीं बिकती, लेकिन मैं फिर भी काम करता रहता हूँ, दूसरा काम भी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ जब जाता हूँ ना मैं 6 बजे, तो फिर वो काम ढूंढता हूँ, वो अपना वाला पेंट वाला, जब मिल जाए तो फिर मैं वो काम करता हूँ, नहीं तो फिर घर आ जाता हूँ। जब बारिश जब आ जाती है, अपना माल इकट्ठा करके ना छापर डाल लेते ऊपर, जब बारिश ज़्यादा होती है फिर तो हमारा छुट्टी होती है, फिर काम नहीं हमारा चलता। जो हमारा कस्टमर आता है वो नहीं खलोता, वो चले जाता। फिर वो जब बारिश पड़ जाए ना, फिर कस्टमर हमारा नहीं आता, फिर हमारा काम ढक। जो बच्चों के बारे में जो फीस होती है ना, वो मैं देता हूँ, वो बड़ी मुश्किल से जब ये पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर जब महीना जब आता है बच्चों का, उसको सैलरी हम दे देते हैं, जो भी बनता है उनका।